खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा। दिनांक 20/6/2019 को कैंट रोडवेज बस स्टैंड के पास जो है कि रोडवेज बस और प्राइवेट बस वालों के साथ काफ़ी मारपीट हुई सवारी को लेकर, जिसमें कि लोगों का कहना है कि आए दिन यहाँ पे लड़ाई झगड़ा होते रहते हैं प्राइवेट बस वालों का, जबकि जगह बना हुआ है लहतारा पुल के नीचे और चौका घाट, लेकिन वो अपना सवारी पैसेंजर को वहाँ पे नहीं भरेंगे, वो यहीं लेकर आते हैं और रोडवेज बस वालों से काफ़ी लड़ाई झगड़ा करने के बाद वो यहीं से भरते हैं। इसको लेकर आज भी इसी बात को कहा सुनी हुई और वहाँ के चौकीदार को काफ़ी लोग प्राइवेट बस वालों ने मारा, जिसे मौके पे जो है कि CO अंकिता पहुँची और प्रशासन पुलिस भी पहुँची जो है कि इस मामले को किसी तरह से हल किया। प्राइवेट बस मालिकों से लेकर प्राइवेट के ड्राइवर और कंडक्टर, सरकारी बस के ड्राइवर कंडक्टर को पीटे हैं, मारे हैं, उनकी गुंडागर्दी की वजह से यहाँ पर विवाद हुआ है और यहाँ कई बार कंप्लेन भी हुआ लेकिन कोई सुना नहीं, सब पैसा लेके चौकी जाल लेके बैठ जाते हैं, जिसके कारण कोई बोल नहीं, तो ड्राइवर कंडक्टर डेली लात खाए जाते हैं, आते हैं बराबर लात खाते हैं, कोई रोक नहीं। क्या लगता है प्राइवेट बसों के लिए क्या उचित कार्रवाई? उनको यहाँ से पहली बार तो उनको ऑर्डर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट से, ऑर्डर 2 किलोमीटर दूर रहे हैं बस स्टैंड से, वो आके सर पर भर रहे हैं और फिर भी झगड़ा कर ले रहे हैं, मारपीट कर ले रहे हैं, सब कुछ कर ले रहे हैं। कई बार उनको सूचना मिला लेकिन यहाँ के चौकी इंचार्ज वगैरह लोग भी पैसा लेके छोड़ देते हैं, तो बाकी यही सब होता है, झगड़ा लड़ाई चल रहा है। प्राइवेट बस वाले कोई अध्यक्ष या कोई आया था यहाँ पे? अभी तक तो नहीं कोई आया। क्या लगता है कि दूरी रहने से और आज के बाद जो झगड़ा हुआ है तो आज ये तो बराबर हुआ है, कई बार हो चुका है, ये तो 10 दिन बाद फिर सब भूल जाएंगे कि यहाँ कुछ होता है, फिर 10 दिन बाद भूल जाएंगे। तो आज क्या हुआ जब प्रशासन आया? यही कहा गया है कि आपको 2 सुविधा दी जाएगी, 2 किलोमीटर बाद रहेंगे, लेकिन 10 दिन बाद हमको नहीं लगता कि वो फिर होगा, फिर 10 दिन बाद फिर वही रवैया चल हो जाएगा। चक्का जाम नहीं किया गया था मैडम, हमारे कर्मचारी से खुद डग्गा मार वाहन मालिक द्वारा छीना झपटी मारपीट उतारे हो गए, इसलिए कर्मचारी सब छुड़ाने बढ़ाने में जाम लग गया। चक्का जाम करने का हमारा कोई उचित चक्का जाम नहीं करते। 11 बजे के आसपास डग्गा मार वाहन आजमगढ़ गेट पर रोडवेज कैंपस के अंदर आकर सवारी भरी थी, जिसमें हमारे कुछ स्टाफ क्रोध किए तो उनके वाहन स्वामी द्वारा मारपीट उतार हो गई, इससे उसी समय ARTO महोदय 2 बारी सीटें उनकी आंखें के सामने, इनके वाहन स्वामी उनके कुछ चालक और लोडर हमारे स्टाफ से विनती किए और यह आए दिन घटना घटती रहती है। कुछ ऐसी गाड़ी हैं जो अनुबंधित भी हैं, प्राइवेट में भी लगी हैं, यहाँ कहते हैं मैं यूनियन का अध्यक्ष हूँ डग्गा मार का, वो प्राइवेट के भी अध्यक्ष है, कुछ ऐसे गाड़ी हैं तो एक कर्मचारी भी लगे इसमें, जो भी हो इसकी उच्चस्तरीय मजिस्ट्रेट जांच हो और सख्त कार्रवाई हो। यूनियन तो सड़क पर खड़ी हो गई है, सड़क तो यूनियन का आक्रोश है, क्रम तुषार की जब भी काम होता है 1-2 दिन के बाद पुलिस चौकी फिर उसी भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाती है। क्या आरोप आपको रोडवेज चौकी? सबसे बड़ा जिम्मेदार इसके रोडवेज के पुलिस चौकी के चौकी इंचार्ज और चौकी जिम्मेदार है, यदि ये चाहते हैं तो जो जाम का कारण रोडवेज के आसपास पड़ता है ये डग्गा मार भी बसें खड़ी रहती है। ये रोडवेज पर शिकायत आज मिली है कि एक इसमें बाहर के जितने प्राइवेट बस बस वाले हैं वो आके यहाँ के अंदर इसमें जितने भी यात्री हैं उनको जबरदस्ती ले जाते हैं और अपने बसों में बैठाते हैं। ये शिकायत जेन्युइन भी है, मेरे द्वारा भी इसको देखा गया और ये सही बात है। रोडवेज में सिर्फ रोडवेज का अपना एक यूनियन है, अपनी एक परिसीमा है, उसके अंदर जबरदस्ती किसी भी तरह का उचित नहीं है। आज ये शिकायत की गई है, इस पे मौके पे आके मैंने स्वयं भी देखा है और इस पर प्रभावी कार्यवाही की जाएगी। मारपीट की घटना भी संज्ञान में आई है, इनके द्वारा तहरीर प्रार्थना पत्र दिया जाएगा। मैडम ये समस्या सहमत है की ये समस्या है यहाँ पर, लेकिन अभी तक कोई व्यक्ति मेरे पास लिखा लिखा पड़ी में ये दिया है इतना व्यक्तिगत बिल की मेरे संज्ञान में लिया। मैडम लगातार आज ये मेरी समस्या रखी गई है और हम सभी को आश्वस्त करते हैं कि इस पर प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित होगी। ठीक मैडम, लगातार चौकी पर चौकी आरोप लग रहा है की इनकी मिली भगत डग्गा मार वाहनों का यहाँ विस्तार बना हुआ, क्या कहेंगे? निश्चित रूप से आज कुछ सिपाहियों के खिलाफ शिकायत की गई है, उनके गोपनीय रूप से भी जानकारी की जाएगी और अगर लिखा पड़ी में भी दिया जाएगा तो उसकी जाँच की जाएगी, अगर आरोप सही है तो निस्संदेह कार्यवाही होगी। हम हैं देश के एकमात्र ग्रामीण नारीवादी न्यूज चैनल, हमारा समर्थन करें, YouTube चैनल सब्सक्राइब करें।
खबरें लाइक करें और वेबसाइट पर सदस्य बनें।